पहले ही गरीब आदमी कोरोना की वजह से परेशान है, उसके बाद मेहनत मजदूरी करने पर भी उसका पैसा ना देकर उसे और भी परेशान किया जा रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया गुना शहर में, जहां मजदूर रात को ही कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस कड़कड़ाती ठंड में किसी ने भी उन पर रहम नहीं किया, बल्कि उल्टा पुलिस कर्मियों की मदद से सभी को डरा धमकाकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर करवा दिया। आलम यह रहा कि ठंड में मजदूर अपने छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं, और अब सुबह से ये सभी कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आलम यह है कि दोपहर तक इनकी मुलाकात कलेक्टर महोदय से नहीं हो पाई है। मामला फॉरेस्ट की फतेहगढ़ रेंज के है, जहां पर गड्ढा खुदवाने के लिए मजदूरों को लाया गया था। पहले भी कई बार इन्हें यहां लगाकर काम करवाया था, तब पेमेंट कर दिया जाता था, और इस बार दो महीने इन सभी मजदूरों से काम करवा लिया गया, लेकिन मजदूरी नहीं दी गई। 60 से 70 मजदूर प्रदेश के अन्य जिलों से आए हुए थे। इनका आरोप है कि वन विभाग के एसडीओ अमित राठौर ने इनसे काम करवाया, पैसा नहीं दिया। हालांकि कुछ दिन पहले उनका तबादला हो गया है, ऐसे में नए एसडीओ ने इन्हें मजदूरी देने से मना कर दिया। मजदूरी न मिलने से नाराज ये सभी बुधवार शाम को कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। यहां पर कलेक्टर कार्यालय और कलेक्टर बंगले की बाउंड्री से सटकर इन्होंने अपने बिस्तर बिछा लिए, साथ में जो कुछ खाना लाए थे वहीं खाया और सो गए। कलेक्टर कार्यालय पर डेरा डालने की सूचना मिलते ही प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे, और उन्होंने आश्वासन दिया कि गुरुवार सुबह इनका भुगतान करा दिया जाएगा। और ये लोग नहीं माने तब प्रशासन ने इनसे कहा कि रैन बसेरा या किसी सुरक्षित जगह चलकर रह ले, उस पर भी ये लोग टस से मस नहीं हुए और वहीं रहने की जिद पर अड़े रहे। फतेहगढ़ से तो यहाँ क्यों सो रहे हो? यहाँ वहाँ काम कर रहे थे, पैसे नहीं दिए एसडीओ साहब ने तो चले जाए। किसने पैसे नहीं दिए? वहाँ से हमारे को 13 लाख मिलना था। अच्छा, 1.5 लाख रुपए खर्ची भरती है। किसने नहीं दिए पैसे? वहाँ तो मान लो 12 लाख के करीब है। किसने नहीं दिए पैसे? एसडीओ साहब ने। अच्छा, क्या बोला? जाओ जो करना हो कर ले रहे। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम सिंह लोनी। कहाँ पर काम कर रहे थे आप? फतेहगढ़। तो यहाँ क्यों सो रहे हैं आप कलेक्ट्रेट के बाहर? वो पैसा हम लोगों को नहीं दिया गया, काम करवा लिए पैसा नहीं दिए। कितने नहीं दिया पैसा? अभी हमारे हम लोगों का पूरा पेमेंट पड़ा, केवल हम लोगों को खर्चा पानी भर दिया गया है। अच्छा। खर्च पानी करवाने के बाद कितना पैसा है आपका? हमारा 10-15 लाख है सर जी। अच्छा, क्या बोले वो? वो बोले कि 10 दिनों से हमको वेट करवा के रखे हैं। कौन है ठेकेदार? कौन? वो रघुवंशी जी थे, बोले वो एसडीओ पी साहब थे। तो बोले कि रुक लो 10 दिनों से हमारे पास राशन पानी कुछ भी नहीं था। उनके प्यासे ऐसे पड़े जैसे आज पड़े हैं, उसी तरह पड़े रहते थे। 2-3 दिन हो गए अपन लोग खाना पीना नहीं खाए। अच्छा जी, तो अभी आप जहाँ किससे गुहार लगा रहे हैं? अब आए हैं कलेक्टर साहब, कुछ शायद मदद करें अपन लोगों का। में जो हम लोगों ने काम किया ना फतेहगढ़ रेंज पे, उसका हमारा भुगतान नहीं हुआ सर। तो बिल्कुल भी भुगतान नहीं हुआ है? खर्चा मिला है सर, एडवांस खर्चा, जो राशन पानी सब्जी उब्जी मिलता रहा, काम करते टाइम पे देते रहे। कितने दिनों से काम कर रहे थे आप? करीबन 2.5 माह हो रहे सर। 2 माह से मान लीजिए थोड़ा सा कम है होंगे, पर 2 माह पूछ रहे होंगे। कहाँ से आए हो अभी? हम लोग सर 2-3 जिले से हैं सर, उमरिया से। आपने इस चीज की शिकायत की गई? जी नहीं सर, अब सर के पास आए सर शिकायत करने। कौन से सर के पास? जी हम सर। तो अभी तक आपको कितना पेमेंट कर दिया गया 2 महीने में? अभी हमारे को सर खर्चा मिला सर, उनके पास होगा खर्चा मिला। खर्चा मिला, कुछ नहीं मिला है मतलब। तो आपने उनसे पेमेंट मांगते हैं तो क्या बोलते? पेमेंट मांगने के बोले कि नहीं देंगे पेमेंट, जो करना कर लो, जहाँ जाना है जहाँ चले जाओ। कौन बोलता है ये? वन विभाग के SDO साहब। नाम पता है आपको उनका? जी सर। क्या नाम है? अमित राठौर सर। अमित राठौर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज है। मेरा नाम धूपराज। धूपराज। कहाँ से आए आप? शहडोल जिला। हाँ, बताएं किस समस्या को लेकर आज कलेक्टर पर घेराव किया आज आपने? हम लोगों को SDO अमित राठौर ने फतेहगढ़ रेंज वालों ने काम के लिए बुलाया था। काम होने के बाद हम लोग पैसा मांगे, बोले कि 2-4 दिन में दे देंगे। 2-4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, हम बैठे रह गए। फिर इसके बाद बोले कि गुना आ जाओ। गुना में हम रात भर पड़े रह गए, फिर भी पैसा नहीं मिला, इसलिए हमको कलेक्टर कार्यालय आना पड़ा। आप कब आए थे गुना काम करने के लिए? गुना आए थे
10 से 12 दिसंबर को। कितने दिन काम किया आपने? 2 महीने। कितने पैसे बन रहे हैं एक व्यक्ति के? एक व्यक्ति मतलब 20,000 के आसपास बन ही गए होंगे। लगभग कितने व्यक्ति हैं आप? 70-80 आदमी, 40 बच्चे हैं, यानी टोटल 110-115 आदमी है। अभी तक कितने पैसे दे दिए आपको? एडवांस में 2 लाख दिया है, बीच बीच में सब्जी के लिए। सबके पास कोई के पास 4 है, कोई के पास 2 है। अभी क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारा पूरा पेमेंट हो जाए, हम चुपचाप चले जाएं घर। कितने लोग हैं ऐसे आप? ऐसे लोग बुरे आदमी हैं, ऐसे ही लोग हैं। तो अब आप रात में भी यहाँ पे आए थे, तो रात में आए तो यहाँ से भगा दिए पुलिस वाले ने। यहाँ लाठी चार्ज होगी रात में, तुम भाग जाओ। हम फिर भाग गए वहाँ रेलवे के किनारे, जो रोड है ना, वहाँ जाके सोते रहे रात भर। रात में खाने पीने की व्यवस्था? खाने की व्यवस्था एक एक रोटी दी गई थी, बस हो गया। अभी यहाँ 12 बज गया है, अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी आपके अधिकारियों से बात हुई? अधिकारियों से बात हुई। क्या कहा? कुछ नहीं बोल रहे। अब बस अगर कहीं अधिकारी से बात हो जाती तो हमको यहाँ थोड़ी आना पड़ता है।